हर हर महादेव ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मुक्तिमूलं गुरोर्कृपा अज्ञानतिरांध्य ज्ञानांजनशलाक चक्षुन्मील तस्मै श्री गुरवे नमः ओं नमः प्रणवार्थाय शुद्ध निर्मलाय प्रशाताय तस्म श्रीगुरव ओ प्रथमतः वेद वेदांगेतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमलवीरश्वर्म जगदादि जगतगुरु जगदुमूलपंचाचार्यों के पवित्र चरणों में अनंतानता भक्तिपूर्वक दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर चातुर्मास के निमित्त पर आयोजित किया गया अद्भुत भव्य दिव्य कार्यक्रम वह ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम कार्यक्रम अनंत मंगल आशीर्वादों से इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से चला रहे ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनादीश्वर जगदगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य पावन चरणों में अनंत अनंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए दर रोज हर रोज भक्ति श्रद्धा युक्त इस धर्म संदेश कार्यक्रम को श्रवण कर रहे दर्शन कर रहे सभी भक्तगण व मातृवृंद आप सभी लोगों के हृदयांतर रंग में निवास कर रहे हैं, ऐसे परशिव परम को स्मरण करते हुए आज की इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे वेद घोष दहिवड़कर ब्रह्म मठ के विद्यार्थी पंचय स्वामी इन्होंने करेंगे श्री गणेश चारदा गुरुभ्यो नमः हर ओ पंचानन मुखोद्भूता पंचाक्षर मनोपम पंच सूत्र वंदे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्

वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवष्णिनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अधग्नये नमः पृथिव्यै नमो च नमो भाचे नमो भाचस्पत नमो शंभवे बृहते कौमे ओ सहना सहन भुन सह वीय वहै हेजस्विवधी तमस्तुम विदिषाव ओं शाति 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 श्रीमज्जगदुर पंचाचार्य महाराज की जय श्री 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 जगदुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय हर हर महादेव भक्ति श्रद्धा युक्त वेद घोष संपन्न किए पंचय स्वामी इस विद्यार्थी को अनंत मंगल आशीर्वाद रहे ऐसे जगदगुरु महास्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज की धर्म संदेश को प्रारंभ करते हैं भुक्तिमुक्ति प्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरु नमः श्री पादाचार्य जी महामहिमाशाली महामुनि को निमित्त बनाकर समस्त मानवाली के लिए उपदेश किया गया भव्य दिव्य ग्रंथ वह श्री सिद्धांत शिखामणि महाग्रंथ इस ग्रंथ में मनुष्य अत्यंत सरल व सुलभ मार्ग से अपना जीवन का परम लक्ष्य तक पहुंचने का श्रेष्ठ शिवाद्वैत विद्या को उपदेश किया गया है जगदगुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ष सिद्धांत को यहाँ पर सम्यक रूप से उपदेश कर रहे हैं मनुष्य अपना जीवन में परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्ति ही अत्यंत श्रेष्ठ मार्ग है ऐसे भक्ति का प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए भक्ति प्राप्त हो गई श्रेष्ठ भक्त बन गए तो निश्चित उनका बंधन से मुक्त मिल जाए तो ऐसी उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त कर लेने के लिए उन्हें कुछ विशेष साधना ये और विशेष पात्रता उनमें होनी चाहिए इसके लिए कह रहे हैं बहुजन्म कृत ही, पुण्य ही, प्रक्षीणे पाप पंजरे शुद्धांत करणो दे पिंड शब्देन गीयते पिंड शब्देन गीयते आगे कह रहे हैं शिवशक्ति समत्पन्ने प्रपंचेस्म विशिष्यते पुण्या क्षीण पाप शुद्धात्मा पिंडनामक शुद्धात्मा पिंड नाम मनुष्य जीवात्मा बहुजन्म यहाँ पर मुख्यतः बहुजन्मों के बारे में विचार कर रहे हैं इस जन्म को लेने से पहले यह जो जीवात्मा है जीवात्मा बहु जन्मों को प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे कह रहे हैं संस्कृत में एक वचन यानी एक व्यक्ति या एक वस्तु है तो एक वचन दो है तो द्विवचन दो से बढ़कर तीन से लेकर के कितने भी रहे वहां पर बहु शब्द का उपयोग करते हैं बहुवचन कहते हैं उसे। ऐसे यहाँ पर बहु जन्मों की विचार हो रही हैं। गीता में परमात्मा भी यही वाक्य को कहते हैं बहुनाम जन्म नाम, नाम अंत ज्ञानवान प्रपद्यते बहु, बहु बहु जन्मों को प्राप्त होने के बाद व्यक्ति शुद्ध अंतकरण करके ज्ञानवान हो करके वह व्यक्ति ही मुझे प्राप्त हो रहे हैं इसी तरह यहाँ पर भी बहु जन्मों की विचार जो है कर रहे हैं वे संख्या स्पष्ट रूप से नहीं कहे हैं मगर शास्त्रों के दृष्टिकोण से बहु जन्म यानी कितने जन्म हो सकते हैं तो कहते हैं सर्वसाधारण रूप से चौरांशी चौरासी लाख प्रकार के योनिया है चौरासी लाख प्रकार के योनिया जो है जन्म के रूप में यहां पर ले रहे हैं और सप्तजन्म भी कहते हैं आप लोग कुछ स्तोत्रों में भी पढ़े होंगे सप्तजन्म कृतम पापम स्मरण विनश्यति इत्यादि सप्तजन्म यानी वो योनियों की प्रमुख जन्मों के बारे में यहां पर बता रहे हैं देवता जन्म मानव जन्म जलज जन्म विहग जन्म मृग जन्म संसुप जन्म स्थावर जन्म ऐसे सात प्रकार के जन्म कुछ जन्म तेतीस हैं कुछ एक हैं, कुछ दस हैं, कुछ पांच हैं, ऐसे खुल मिला करके सब चौरासी प्रकार के लाख होते हैं ऐसे एक जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार किए गए शुभाशुभ कार्यों के फल से कौन सी जन्म लेना चाहिए और कौन सी जन्म उन्हें छोड़ना चाहिए ये सब उनके कर्म के फलानुभूत परमात्मा ने वैसे निर्णय करता है और सभी जन्मों में कुछ ना कुछ कर्म करते ही हैं कुछ शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ होते हैं तो किए हुए कर्मों का फल से ही हमें ऐसे योग ऐसी एक जन्म ऐसी एक शरीर प्राप्त होती है कर्म करने का दायित्व कर्तव्य ये हमारा हाथ में है और उस कर्म के बाद में जो फल मिलता है वो फल देने की हक केवल के आदि केवल ईश्वर के हाथ में ही है इसलिए उन्हें कर्मा फल प्रदाता ऐसे भी कहते हैं वे स्वतंत्र हैं। जब बारिश चाहिए तब बारिश चाहिए मगर उनकी इच्छा है तो ही वह बारिश देंगे नहीं तो आप क्या करेंगे उनको जाकर के पकड़ के जेल में डालने वाले हैं बारिश नहीं लाया करके बहुत बहुत बोले तो वरुण याग याग इत्यादि करेंगे और बैठेंगे उनकी कृपा हो गई तो बरसेगा नहीं तो नहीं कर्म करने का दायित्व ही जीवों का है उसकी फल को देने का परिपूर्ण हक दायित्व जो है परमात्मा का है इसलिए हम क्या करते हैं वही हमें भोगना पड़ता है और आगे जाकर के परमात्मा ने एक श्रेष्ठमय विचार को भी यहां पर बता रहे हैं यह करता सह भोक्ता कर्म भी जो व्यक्ति करता है उन्हीं को भोगना पड़ता है एक व्यक्ति किया हुआ कर्म का फल दूसरा व्यक्ति भोगने का नहीं होता है आप खाए तो आपका पेट भरेगा आप किए दूसरे खाए आपका पेट नहीं भरता है पेट भरना अलग है मन भरना अलग है मन भरता होगा मगर पेट तो आप खाएंगे तो ही आपका पेट भरेगा उसी तरह किए हुए कर्मों का फल भुक्ति स्वयं को ही करना पड़ता है परमात्मा जो है एक बहुत विशिष्ट प्रकार के बाजार यानी दुकान खोल के बैठे हैं वस्त्रों की। वस्त्र के दुकान में जाने के बाद वहां पे शव के ऊपर डालने का जो कफन कपड़ा होता है उससे लेकर के अत्यंत कॉस्टली ऐसे सुंदर रेशमी वस्त्र तक उस दुकान में हर एक प्रकार की वस्त्र जो है मिलते हैं वस्त्र खरीदने के लिए गए हुआ व्यक्ति जितना पैसे को ले जाएंगे जिस वस्त्र को जितना मूल्य होगा उतना मूल्य देने के बाद वो वस्त्र का यजमान दुकान का यजमान जो है वो आपको दे देगा उसी तरह हमारे कर्म जैसा होंगे वैसा वाला वस्त्र हमें मिल जाएगा वस्त्र यानी शरीर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छा शरीर मिल जाएगा हमारे कर्म की अनुकूलता से ही हमें वस्त्र मिलेगा यानी शरीर मिलेगा जैसा आप सौ रुपए का मीटर जो वस्त्र आपको चाहिए मगर आपके पास सत्तर रुपए ही है सौ रुपए को एक मीटर है ऐसा आपको चार मीटर चाहिए और आप बोलेंगे मुझे सत् रुपए में चार मीटर दीजिए बोले तो वो नहीं लेंगे जो बीस रुपए का जो मीटर है वो वस्त्र आपको आएगा दो तीन मीटर वो ले जाइए करके बोलेंगे यानी जितना आपके पास धन है उतना ही आप खरीद पाएंगे उसके लिए दुकान के मालक को दोष देने का कोई कारण नहीं होता आपके पास जितना पैसा होगा उतना ही आपको वस्त्र मिलेंगे उसी तरह आपका जितना कर्म होंगे जैसा कर्म होंगे उसी तरह फल प्राप्त कराने वाला शरीर जो है आपको प्राप्त होता है यथा कर्म तथा शरीर और बच्चों को मां पालक जो मंडली होता है पालक मंडली वे बहुत सारे वस्त्र उनके लिए खरीद कर लाते हैं बालक जो बच्चा रहता है छोटा तो वस्त्र पुराना होने पर वो निकाल देते दूसरा वस्त्र उनको आप पहना देते उसी तरह हमारे जो मूल माता पिता है पार्वती परमेश्वर वे भी हम बच्चे लोगों के लिए वे भी वस्त्र तैयार रखे हैं जैसा हमारे ये वस्त्र जर्जरी हो गया है तब इसको वो निकाल देते हैं और हमें दूसरा वस्त्र पहना देते हैं। इसे शरीर को शरीरों को शास्त्र में वस्त्र कहा गया है वाशाम सी जीर्णानी यथा वि गृहना वस्त्र आप धारण करने के बाद वह वस्त्र का वर्ण कम हो गया उसकी ताकत कम हो गई तो वो फटने लगेगा झरझरी होने के बाद वस्त्र जीर्ण होने के बाद वो फटते जाएगा वह वस्त्र धारण की लायक नहीं रहेगा। उसी तरह हमारा भी वस्त्र जो है यानी ये शरीर जो है यह भी आगे जाते 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 शक्तिहीन हो जाता है जर्जरी हो जाता है आज जो पचास किलो का बोरा को उठा सकता है वह व्यक्ति पचास साल के बाद पांच किलो का तैली भी उठाए नहीं पाए क्यों यानी उनका शक्ति जो है नष्ट हो गई है उनका शरीर में उतना ताकत नहीं होता है यानी जैसा वस्त्र है वैसा यह शरीर भी है कुछ वर्षों के लिए ही है जो व्यक्ति वृद्ध हो गए होंगे उन लोगों को आप देखिए वयस्कर लोग जो मिलते हैं वे जब भी कोई महात्मा मिल गए कोई महाराज लोग मिल गए तो वे कहते हैं मुझे आप ले जाने के लिए कहिए, अब मुझे बहुत हो गया है मुझे शीघ्र आशीर्वाद दीजिए मुझे जाने के लिए परवानगी दीजिए ऐसे बोलते हैं महाराज लोगों को क्योंकि उन्हें रह रहके, रह के रह के वह शरीर का उनको बस हो गया है अभी उन्हें वो शरीर छोड़ने का इच्छा होता है जैसा एक ही वस्त्र हमेशा के लिए आपको देंगे तो आप क्या करेंगे वो वस्त्र को परित्याग करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करके वो वस्त्र परित्याग करेंगे दूसरा वस्त्र लेने के लिए इच्छुक हो जाए उसी तरह मनुष्य इस शरीर को जर्जरी होने से ही इसको छोड़ने की इच्छा हो जाता है ठीक आपका शीघ्रता ही आपका ये हो जाएगा करके कोई बोले तो बहुत दुखी हो जाएंगे वे ऐसे ही उनको भी पता है महाराज तो मुझे ले जाने वाले नहीं है मगर कहना है करके कहते हैं किसको जाने की इच्छा रहता है बोलते हैं मगर जाने की इच्छा नहीं रहते आशा पाश से बद्ध है जीव आशा जब तक मरता नहीं तब तक मरने की इच्छा भी जगता नहीं एक वृद्धा स्त्री जीवन भर लकड़ियों को भेज करके ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी वयस ज्यादा वय हो गया ज्यादा उम्र हो गई है शक्ति कम हो गई है मगर पैसा तो चाहिए खाना तो चाहिए हर रोज के जैसा ही बहुत लकड़ी उनको प्राप्त हो गई एक दोरी से रस्सी से अच्छा से बांध काम करके उस लकड़ियों को उठाने के प्रयत्न कर रही थी कितना प्रयत्न किया तो भी वो उठी नहीं पा रहा है हर रोज से आज थोड़ा ज्यादा ही मिल गया उन्हें लकड़ियां बहुत खुश हो गई मगर उनके ऊपर उनको ही हीनता भाव आ गया है मेरे शरीर इतना झरझरी हो गया है मुझे ये उठाने के लिए नहीं हो रहा है वो दम आकर के बैठ गई और ऐसे बोलने लगा यम राजा से हे hey यमा आ जाओ अब मेरे को जीने का इच्छा नहीं है मेरा शरीर अभी मेरा नहीं सुन रहा है मुझे ये शरीर छोड़ना है मुझे ले जाओ तो योगा योग से यमराज जो है यही ड्यूटी है उनका वो उसी गांव से किसी को लेकर के जा रहा था बीच में ये बुद्धि जो है इनको बुलाई तो तुरंत आ गई यमराज यमराज आ गए तुरंत ये स्त्री जो है देख के आश्चर्य हो गए चला चलो अभी मैं आ गया हूं आपको ले जाता कहा ले जाओगे अरे अभी तो आप ही तो बोल रहे थे आपको जाना है अभी रहना नहीं है तो मैं मुझे बुला इसलिए मैं आया अरे मैं तेरे साथ आने के लिए नहीं बुलाया हूँ यहाँ कोई नहीं दिख रहा ये लकड़ियों को मेरे ऊपर रखने के लिए ये उठा के मेरे सिर के ऊपर रखो मैं इसको बिक के कुछ खाऊंगा बाद में आओ बाद में आऊंगा करके इसलिए बुलाया हूँ ये उठ के मेरे माथे के ऊपर दे दो करके ऐसे रहते हैं लोग जाने के लिए बहुत कहते हैं मगर जाने का संदर्भ आने पर न सरल रूप से नहीं जाते यानी आशा पाश्य से बद्ध होते हैं और ऐसे कितने भी हम लोग प्रयत्न करें मगर ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा शरीर को छोड़े बिना कोई भी नहीं रह सकेंगे हाँ ऐसा हो सकता है आरोग्य अच्छा रखेंगे तो कुछ वर्ष कुछ महीने कुछ हफ्ता कुछ दिन कुछ घंटा कुछ मिनट ज्यादा रह सकेंगे आरोग्य अच्छा नहीं रखें तो कुछ वर्ष पहले ही निकल जा सकते हैं। मगर जाना तो सभी को है आत्मा ने जिस शरीर को धारण कर लिया वह शरीर धारण होने के कारण एक दिवस एक दिन वो छोड़ना भी पड़ेगा और पिपासा भूख ये जो है प्राण का धर्म है प्राण कुछ पीने के लिए मांगता रहता है या कुछ खाने के लिए प्राण टिकना है तो काते रहो पीते रहो नहीं तो प्राण नहीं रुकेगा प्राण का धर्म खाना पीना और मन का धर्म सुख और दुख का भोग करना मन क्या करती रहती है सुख को या दुख को भोग करती रहती है ये मन का धर्म है आगे जाकर के बता रहे हैं जनन मरण ये शरीर का धर्म है शरीर का धर्म जन्म लेना और मर जाना ये प्राण का धर्म खाना पीना और मन का धर्म सुख दुखों की अनुभव करना ऐसे शरीर जो है एक बार लेने के बाद फिर उसे निश्चित रूप से छोड़ना ही पड़ता है तो शरीर हमारे लिए इतना अद्भुत शरीर प्राप्त हुआ है यह सौ वर्ष तक हम रखने वाला शरीर है इसका लाइफ टाइम कितना है शतायुर्वई पुरुषा एक व्यक्ति मनुष्य को सौ वर्ष का आयु शास्त्र में बताया गया है शास्त्र में बताया गया सौ वर्ष इसके लिए बताया गया है जिसकी नसीब जिसकी कर्म जिसकी आरोग्य का बारे में जिसके आहार विहार विचार उच्च स्तरीय हो वह व्यक्ति दीर्घायु हो सकता है आजकल के तो आहार विहार ठीक नहीं है इसलिए कम उम्र में ही सब लोग चले जा रहे हैं तो कहते हैं एक स्वस्थ आरोग्यवान व्यक्ति को एक दिन में इक्कीस हजार इक्कीस हजार छह सो बार श्वासोश्वास होकर के वह श्वास हृदय को स्पर्श करती है एक आरोग्यवान व्यक्ति एक दिन में इक्कीस हजार सौ बार यानी एक महीने को एक वर्ष को सौ वर्ष को कितना होगा तो जिसका आयु लंबी होना चाहते हैं वे लोग श्वास और आरोग्य को अच्छा रखें जिसका अन्न पान आहार विहार अच्छा हो वह व्यक्ति का आरोग्य भी और वह व्यक्ति का आयु भी अच्छा ही होगा तो कुछ लोग संवर्ष यानी दिनों को महीनों को वर्षों को गिन करके इनका आयु का पता लगाते हैं मगर वस्तुतः आयु जो है ये योग शास्त्र के अनुसार देखें तो श्वास के ऊपर होता है हम जितना श्वास लेते हैं उतनी हमारे आयु खतम होता रहता है जो हिमालय इत्यादि महायोग संपन्न सिद्ध पुरुष लोग होते हैं वे लोग बहुत लंबी आयु के होते हैं आप लोग सुने होंगे पुराण कथा में इत्यादि जगह पे कि हमारे गांव में एक महान महाराज जी थे वे हमारे गांव में मृत्यु को दिया हुआ व्यक्ति को भी जगाया है जो मर चुका है उसे भी फिर जिंदा किया है ऐसे भी महान शक्ति सिद्ध पुरुष होते हैं इतना सिद्ध पुरुष होने के बावजूद भी वे है क्या अभी जिन्होंने दूसरों को मृत्यु से दूर करके उनको प्राण वापस दे दिया उनका प्राण क्यों चला गया है यानी मृत्यु ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है कुछ लोग ज्यादा उसकी दूर बढ़ा सकते हैं मृत्यु का उसके लिए योग शास्त्र में बता रहे हैं प्राणायाम श्वास के ऊपर नियंत्रण करने से हमारी लंबा आयु होती है एक व्यक्ति 21,600 बार श्वास लेता है जिसका आरोग्य ठीक नहीं होगा वह व्यक्ति ज्यादा लेता है ज्यादा लेने से आपका कम हो जाता रहता है आपका बैंक बैलेंस ज्यादा पैसा खर्च करने से जितना कम आप लेंगे श्वासा उतना आपका आयु बढ़ता रहेगा हमारे सर्वसाधारण लोग 24 घंटाओं में इक्कीस हजार छह सौ बार लेते हैं कोई गिने नहीं होंगे आप लोग गिन लीजिए अभी समय जो है आठ बजकर दस मिनट हुआ है कल आठ बजकर दस मिनट तक गिनते रहिए जिनका आरोग्य ठीक है बरोबर इक्कीस हजार छ सौ बार होगा जिनका ठीक नहीं वो कम या ज्यादा हो सकता है तो सर्वसाधारण व्यक्ति उतना लेता है मगर जो योगी होते हैं वो छह सौ बार भी ले सकते हैं चौबीस घंटाओं में सौ बार भी लेकर के रहते हैं उनकी जो श्वास लेने की ताकत है श्वास को अंदर रखने की जो क्षमता है वो बहुत बड़ी है आपकी घर में जो नन्हे से बालक होगा उनको आप श्वास ज्यादा देर अंदर रखने के लिए बताइए वे रख नहीं पाएंगे आप जितना देर ओम कहेंगे उतना देर आपसे जो छोटे हैं वो नहीं कह पाएंगे क्योंकि उनके अंदर श्वास को ज्यादा लेकर रखने की क्षमता नहीं जो व्यक्ति प्राणायाम में तीन क्रियाएं होते हैं पूरक कुंभक रेचक पूरक यानी श्वास को धीरे धीरे अंदर लेकर के पूर्ण श्वास को भरने का और कुंभक यानी लिया हुआ प्राण वायु को अंदर ही रखने का और रेचक यानी उस अंदर रखा हुआ कुंभक हुआ प्राण वायु शक्ति को उसे बाहर निकालने का तो हम लोग इस प्रक्रिया को बहुत तेज से करते हैं ऐसे तेज से करने से हमारा आयु हमारा आरोग्य जो है खराब हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को बहुत धीरे धीरे करते रहेंगे तो आप, आप आरोग्य और आयु भी बढ़ता रहेगा यानी कुंभक ज्यादा देर करना चाहिए एक बार आप श्वास लेने के बाद उसे अधिक से भी अधिक ज्यादातर अंदर ही रखना चाहिए अंदर जाने के बाद वायु जो है बढ़ता 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 चला जाएगा और उसे बाहर छोड़ना ही पड़ता है हमें मगर योगी महाजन वे लोग अंदर लिया हुआ कुंभक वायु को प्राणवायु को कुंभक करके उसे बढ़ने नहीं देते हैं उसे ज्यादा देर अंदर रखते हैं इसलिए कुछ कुछ लोग एक दिन में पूर्ण चौबीस घंटाओं में सौ बार ही पचास बार ही कुछ कुछ तो पूरा एक दिन को एक ही बार श्वास लेकर के भी रहते हैं इसलिए हजार हजार वर्ष का उनका आयु होता है ऐसी एक श्रेष्ठ योग मार्ग एक श्रेष्ठ योग साधना भी हमारे भारत वर्ष में पहले से ही है बस हम लोग विदेश की माया में उनकी पालन के कारण हमारी सभी विद्याओं को हम भूलते भूलते जा रहे हैं और उन्हीं लोगों का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है समझ करके हमारी अज्ञानता को दिन दिन उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करते हुए योग भ्रष्ट हो जा रहे हैं। ऐसी एक दुरावस्था हमारी सभी का हो गई है मगर जन्म तो कितना भी वर्ष ले एक ना एक दिवस उसे समाप्त करना ही पड़ता तो समाप्त कब किया कितना वर्ष तुम प्राण सहित है इससे भी महत्वपूर्ण रहते वक्त तुम क्या करके दिखाई ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसे तो बहुत सारे आयु हमें प्राप्त हुआ है अनेक जन्मों में मगर ये जो मानव जन्म में हमें ये जो आयु प्राप्त हुई है इतना सुंदर अद्भुत इस आयु को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए निज गुण शिवयोगी जी सुंदर सा बहुजन्मों के बारे में वे भी बताते हैं कितने जन्म लिए होंगे मनुष्य अभी जो मनुष्य है ये मनुष्य होने से पहले कितने प्रकार के जन्म लिए होंगे गधा बंदर बिल्ली भैंस गाय मयूर मोर पोपट ऐसे जो भी है पशु पक्षी मृग पानी में रहने वाले मछली आदि तो ये एक जन्म में कितने बार लिए हैं यानी एक योनि में जो चौरासी लाख योनिया हैं उनमें से मानव भी एक है तो गाय भी एक है ऐसे एक योनि में कितने बार जन्म लिया होगा तो वे कहते हैं इस भूमंडल को पूरा चूर्ण कर डालने का चूर्ण करके उस चूर्ण को अंतरिक्ष में फेंको और कितना चूर्ण होकर के जो छोटे छोटे खन होंगे ना वो सभी खनों को एकत्रित करके गिनो गिनने का मत जितना संख्या आखड़ा आएगा उतना संख्या बार इतना बार एक योनि में जीवात्मा जन्म लिया ऐसा चौरासी लाख बार देखिए इसे सिद्धांत शिखामणि में बहुजन्म कृत ही बहुजन्म यानी कितने बार जन्म लिए तो उसका हिसाब ही नहीं है कुछ संख्याए प्रपंच में कुछ कुछ हम हिसाब रख सकते हैं कुछ चीजें हम हिसाब ही नहीं कर सकते इसे बेहिसाब अनगिनत चीजों में से जन्म भी है तो हम बहुत प्रकार के योनियों में अरबों, खरबों बार हम जन्म लिए हैं तो बहुजन्म कृत ही पुण्य ये मानव जन्म क्यों प्राप्त हुआ है तो उसकी कारण बता रहे हैं उभाभ्याम मानुष्यम लभते वशः। बहु जन्मों में किया गया कर्म उसमें पुण्य कर्म भी होते हैं और कुछ पाप कर्म भी होते हैं पुण्य अधिक हो गया तो वो देव योनि में चले जाता है पुण्य ही नहीं रहा केवल पाप ही है तो वो पशु राक्षस योनि में चले जाते जिसका पुण्य और पाप समान होता है लभते वश वैसे समान पुण्य पाप को जिसका समान है वह जीवी मनुष्य शरीर को धारण करता है देखिए हमारा पुण्य और पाप समान है इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ऐसे शास्त्र में कह रहे हैं तो कर्माधीन यानी पुण्य और पाप समान होने के कारण उन्हें प्राप्त हुई है मनुष्य जन्म इसीलिए ये मनुष्य जन्म में आकर हम पुण्य को अधिक करते जाना चाहिए तब हमारा और भी उत्तम गति प्राप्त होती है मगर मनुष्य जन्म में भी आकर के फिर वे पाप कर्म ज्यादा करते रहेंगे तो मनुष्य जन्म से फिर नीचे चले जाएंगे पशु इत्यादियों की योनि में इसलिए हमेशा हम पुण्य करते रहना चाहिए मगर संगत के कारण हमारी गुण भी बदलते बदलते जा रहे हैं मनुष्य जो है पाप हमेशा करता रहता है पाप के और ही ज्यादा मन आकर्षित होता है मनुष्य मन से वाणी से शरीर से हमेशा पाप करते रहते हैं ये तीनों ही करण है कोई भी कार्य होने के लिए। तो मन वाणी तन मन से कौन सा पाप होता रहता है तो हमेशा दुष्ट संकल्पों को संकल्प करना किसी व्यक्ति को कैसे मैं दुख पहुंचाना चाहिए उनकी ऊपर द्वेष भावना करना और अच्छे जो लोग करते हैं उनकी बुराई होना चाहिए ऐसी मन में विचार करना और खुद के बारे में खुद का अपमान की भावना रखते हुए जीना यह सब मन से घड़ने वाला पाप है और शरीर से होने वाले पाप यानी पर धन परधन की भोग करना और पर वस्तु की अपेक्षा रखना इन पर वस्तु स्त्री धन की अपेक्षा से जो कर्म हम शरीर से करते हैं जो शास्त्र विरुद्ध आहार सेवन करते हैं जो शास्त्र विरुद्ध कर्मों को करने के लिए शरीर को उपयोग करता है वे सब शरीर से होने वाले पाप है वाणी से वाणी से कैसे पाप है यानी वाणी से हम दूसरों की निंदा करना और दूसरों ने किया हुआ निस्वार्थ कार्यों को भी हम गलत प्रचार करते रहना और असत्य बोलते रहना क्षुल का सुखों के लिए ना पवित्र वाणी को इस्तेमाल करते रहना जो भी हम बोलेंगे वे सब वाणी से होने वाले पाप है इसलिए मनुष्य शरीर और मन तथा वाणी के साथ जो भी पाप कर्म होते हैं उससे दूर रहना चाहिए मगर मन का एक स्थिति ऐसा है वे जिस वस्तु से दूर रहो कहते हैं जो नहीं करना ऐसे कहते हैं उसी को आकर्षित हो जाता है पानी जहां पे अधो भाग होगा उधर ही बहते जाएगा ना पानी जहां समतल होगा जहां ऊंचा होगा उधर नहीं पानी जा सकता जहां निचले स्तर के भाग होगा उसी तरह पानी जो है बहती रहती है उसी तरह मन भी अधोगति ही होता रहता है हमेशा उच्च गति में मन पहुंचने के लिए उसके लिए विशेष साधन करना पड़ता है विशेष साधन करना पड़ता है। मनुष्य अब बहुत विशेष है हर प्राणी के जैसा नहीं है एक पहाड़ में आने वाला पानी एक नदी का जो पानी होता है बहुत वेग से प्रवाह होता है उसका उसमें बहुत कचरा छोटे छोटे पेड़ इत्यादि सब बहते जुए चले जाते हैं मगर उसी पानी के गहराइयों में मछलिया जो चलते हैं वे पानी के प्रवाह के साथ वे नहीं जाते हैं। प्रा उस प्रवाह कितना भी तेज हो मछलियों के पास इतना चेतना शक्ति है वे पानी को ही छेद करते हुए वे पानी के विपरीत दिशा में जाता है पानी इधर से जाता है तो मछलियां पानी को छेद करके आगे के पास चेतना शक्ति है विशिष्ट शक्ति है प्रवाह की विपरीत दिशा में जा सकते हैं उसी तरह प्रपंच में रहने वाले हरेक जीवी जो है उस पानी के ऊपर जाने वाले खचरा पेड़ लकड़ियां इत्यादि के जैसा जैसा प्रवाह है वैसा वो जाते हैं मगर मनुष्य वैसा नहीं है मनुष्य उन मछलियों के जैसा है मनुष्य अपना भाग्य कैसा रहते हुए भी वे भाग्य की छेद करते हुए विपरीत दिशा में जा सकता है कितना भी अपना मन अधो भाग में जाते हुए भी उसको फिर ऊर्धमुख में ले जा सकते हैं उन मछलियों के जैसा इतना चेतना शक्ति विवेक शक्ति मनुष्य के पास है और किसी जीवी के पास नहीं इसलिए मनुष्य परमानंद की प्राप्ति करने के लिए उनका विशेष साधना होना अत्यंत आवश्यक है हमारे आज की इस जमाने में चेतना शक्ति बहुत कम हो गई है जैसा प्रवाह है वैसे सब लोग चले जा रहे हैं सब कॉपी पेस्ट वाले हो गए हैं जो सब कर रहे हैं उसी तरह सब लोग करते चले जा रहे पूर्व पचास वर्ष से पहले ऐसा नहीं था हमारे भारत हमारे भारत में बहुत अच्छा आरोग्यवान लोग थे और आहार विहार भी अच्छा था और विचार करने की क्षमता भी बहुत खतरनाक था आजकल के युवा पीढ़ी और कल के लोग कष्ट आए तो मर जा रहे हैं उनका मन में इतना धैर्य नहीं है कि कष्टों को हम कैसे छेद करें कष्टों से हम कैसे लड़ाई करें और हम कैसे जीता जाए कोई भी आजकल के लोगों के अंदर यह क्षमता नहीं होने के कारण छोटे छोटे कारणों से प्राण छोड़ दे रहे हैं छोटे छोटे कारणों से अपना लक्ष्य को छोड़ के भाग रहे इस सभी का कारण आज के आहार विहार ठीक नहीं है कुछ भी खा रहे हैं जो दिखता है वो सब खा रहे हैं तुम्हारे शरीर के गुण धर्म के अनुसार जो खाना चाहिए वो खाना चाहिए तुम्हारी परंपरा के अनुसार तुम्हारे पूर्वजों की मार्गदर्शन को लेकर के तुम्हें क्या खाना चाहिए वही खाना चाहिए जिस व्यक्ति को देश की रक्षण करना है जिस व्यक्ति को दुष्ट को समाप्त करके शिष्टाचार को बढ़ाते रहना चाहिए ऐसी चीजों दायित्व लिए हुए लोग हैं उनके लिए अलग खाना बताया और जो बुद्धि क्षमता को बढ़ाते हुए ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना है उनके लिए अलग खाना बताया ऐसे अलग अलग आहार विहार अभी नहीं है सब लोग सब खा रहे एक गलत बात है इसलिए मनुष्य को जितना दवखाना है जितना हॉस्पिटल्स है उतना और किसी जीविका नहीं है आप गाय को सात दिन आठ दिन बांध के रखिए उसे खाने के लिए घास बीस कुछ भी मत दीजिए और दस दिन के बाद उसे आप मांस जा करके उसके पास रखिए वे कभी मांस नहीं खाएगा मर जाएगा मगर वे मांस नहीं खाएगा क्योंकि कुछ जीविया सस्याहारी हैं इस भूलोक में और कुछ जीविया मांसाहारी है। हैं मांसाहारी जीवी मांस ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे मनुष्य जो है उन पशु से भी उत्कृष्ट है इन्हें हर एक चीज चाहिए क्योंकि ये सभी जन्मों में जन्म लेते 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 आए इसलिए इनको सब चलता है मगर जिनका मन प्रशांत रखना चाहता है जिनका आरोग्य प्रशांत रखना चाहता है उनके लिए उत्तम आहार का सेवन ही उत्तम फलों को देता है ऐसे गीता में भी कहा गया है इसलिए हमारे आहार विहार बहुत विशिष्ट होना चाहिए तभी हमारा संस्कार विशेष होता रहेगा जिसके संस्कार जिसके मन में श्रेष्ठ विचार आता रहता है वही व्यक्ति श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकता है यादृशम भुंजते अन्नम जैसा अन्न वैसा मन हमारे मन में हमेशा बेचैन 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 हमेशा चंचलता हमेशा अशांति क्यों बना रहती है यानी वो खाना के कारण जैसा आप खाना करेंगे वैसा आपका मन भी आपके साथ रहेगा इसलिए कहते हैं अन्नमयम ही सौम्य मन अन्न आप खाए हुए अन्न 40 दिन के बाद वह मन में परिवर्तन हो जाता है मन आज आप जो खाए हैं चालीस दिन के बाद वो आपका मन बनता है यानी खाया हुआ अन्न पहला रस हो जाता है उसके बाद रक्त हो जाता है उसके बाद मांस हो जाता है उसके बाद मज्जा अस्थि शुक्र शोणित बाद में वो मन बन जाता है इतना प्रोसेस होने के लिए उसके लिए कम से कम एक मंडल यानी चालीस दिन इसलिए पूर्व में गुरु महाराज लोग अनुष्ठान करते थे और किसी शिष्य को भी कुछ व्रत करने के लिए बताते तो चालीस दिन मंडल दिन पर्यंत इसे अनुष्ठान करो तब ये सिद्धि हो जाएगा और आयुर्वेदिक में भी कुछ व्याधि हो गया है तो 40 दिन का औषध उनके लिए देते थे, थे क्योंकि आज दिया गया औषध ये शरीर में जाकर के उनकी मन का उपचार करे मन का उपचार कर दिया तो शरीर में उपचार करने के लिए और कुछ नहीं बचता है तो वो मन तक पहुंचने के लिए उनको 40 दिन समय जाता है मगर आजकल कुछ हो गया तो तुरंत एक दो डोस में ही कम होना चाहते वो गोली कैसा भी हो इंजेक्शन कैसा भी हो सहन शक्ति नहीं है इसलिए सब लोग इंग्लिश दवाओं को लेने के लिए उधर के ही ज्यादा मोह जो है लग गया है आयुर्वेदिक बहुत सुंदर उपचार होता है मन की गहराइयों में हुआ अस्वस्थता के कारण ही तन अस्वस्थ हो जाता है वैसा देखा गया तो शरीर का रोग कम है मन का रोग ही ज्यादा है मन रोगग्रस्त हो गया इसलिए शरीर भी रोगग्रस्त हो जाता है इसलिए अच्छे आहार जो व्यक्ति लेता है वो सप्त धातुओं में परिवर्तन होकर के उनका श्रेष्ठ मन बनता है ऐसा श्रेष्ठ मन के कारण ही हमारी साधना मार्ग हमारी जीवन आनंदित हो सकता है आजकल के लोग ज्यादा रोगग्रस्त होते हैं बुद्धि क्षमता इतना नहीं होता है देह द्र भी इतना नहीं होता है क्यों ऐसे संतान हमारे देश के लिए मिल रहे हैं यानी हमारे देश के हमारे देश के जो गृहस्थ आश्रम के लोग हैं विवाह संपन्न लोग हैं वे श्रेष्ठ आहार को सेवन नहीं कर रहे हैं श्रेष्ठ विचारों को संपादन नहीं कर रहे हैं इसलिए वे श्रेष्ठ संतान को ही नहीं दिए हैं इसलिए श्रेष्ठ संतान नहीं होने के कारण वे अनारोग्यित हो जाते हैं और दुखित रहते हैं और छोटे छोटे बातों में ही बेचैन रह करके खुदकुशी कर देते हैं जो व्यक्ति श्रेष्ठ अन्न किया है वह व्यक्ति ही रस रक्ता मांसा मज्जा वीर इत्यादि से श्रेष्ठ संतान को भी देश की रक्षा के लिए दे सकते हैं देश की रक्षा करना है तो हमारे आज के पीढ़ी के ही हाथों में है तो आज के पीढ़ी श्रेष्ठ अन्न श्रेष्ठ वर्तन श्रेष्ठ आहार विहार रखे भी जाकर के अच्छे संतान को दे पाएंगे अच्छा संतान ही देश का रक्षा करेगा देश का वृद्धि करेगा देश और हमारे शास्त्रों की रक्षा कर पाएगा राष्ट्र भक्त संतान को देना ये गृहस्थ आश्रम का ध्येय है इसीलिए वे विवाह कर लेते हैं वंशाभिवृद्धि के लिए ही और देश का अभिवृद्धि के लिए ही जो व्यक्ति राष्ट्र का भक्तों को जन्म देते हैं वह संतान ही देश का उपयोग है नहीं तो निरर्थक है जो राष्ट्रभक्त को देता नहीं है तो उसका क्या उपयोग है राष्ट्र के लिए इसलिए हर एक व्यक्ति अपने के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छा होना चाहता है तो अच्छा आहार और अच्छा विहार होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है तभी वह व्यक्ति अच्छा मन वाला बन गया अच्छा मन वाला व्यक्ति ही अच्छा भक्त बनता है अच्छा भक्त ही मुक्ति को प्राप्त होता है इसलिए आहार विहार जो है उत्कृष्ट रहे और गृहस्थाश्रमी व्यक्ति इतना भाग्यवान है सन्यासी को ब्रह्मचारी को बहुत कठोर तपश्चर्या करने के बाद प्राप्त हुई ज्ञान से मुक्ति मिलती है मगर गृहस्थी धर्मी गृहस्थी लोगों के लिए इतना कठोर रहने की जरूरत नहीं है बस शास्त्र में बताया गया पद्धति से सदाचार संपन्न हो सच्चीलवान हो ऐसे सदाचार संपन्न सच्चील व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ करके परमात्मा ही उनका पेट से आता है और उनसे जन्म ले लेता है सन्यासी, ब्रह्मचारी लोगों को ये भाग्य प्राप्त नहीं हुआ है ये भाग्य सिर्फ और सिर्फ गृहस्थी लोगों को प्राप्त है परमात्मा आपका बेटा बेटी होकर के जन्म लेने के भाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है इतना अद्भुत ऑपरचुनिटी इतना अद्भुत अवकाश को गवाइए मत परमात्मा आपका पेट से आ सकता है कब जब आप श्रेष्ठ गृहस्थी बनते हैं आपकी आहार विहार विचार अच्छा होता है तब आप परमात्मा का भी बाप बन सकते हैं जितने भी महान योगी जितने भी महानुभाव जितने भी महात्मा लोग इस प्रपंच में आए हैं वे सब माता पिता के कारण ही आए हैं तो कौन जाने किसके पेट में से इतना महात्मा आ सकता है इसलिए गृहस्थ आश्रम धर्मी ये लोग सभी व्यक्ति अच्छे आहार अच्छे विहार और अच्छे विचार हमेशा करते रहे तभी उनका जीवन जो है सार्थक होता है इसलिए बहुजन्म कृत ही पुण्य ही बहुजन्मों में बहुजन्मो में किया गया श्रेष्ठ पुण्यों के कारण इतना अद्भुत मानव जन्म प्राप्त हुआ है ऐसी पवित्र मानव जन्म को लेकर के व्यक्ति जो है सदाचार संपन्न होना चाहिए हमारे शास्त्र में भी कहा गया है इतना अद्भुत मानव जन्म मिलना ये बहुत दुर्लभ है तीन चीजें दुर्लभ कहा गया है ये मिलता नहीं है फिर बार बार मिलता नहीं अभी मिल गया समझो तुम भाग्यवान है यानी क्या है मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय मनुष्यत्व ये दुर्लभ है और मुमुक्षत्व ये तो अत्यंत दुर्लभ है और महापुरुष संश्रय साधु सज्जनों की संश्रय उनका सानिध्य तीनों एक से भी बढ़कर एक दुर्लभ है मनुष्य तो बहुत है मगर मोक्ष प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति की इच्छा किसमें है किसी में भी नहीं है बहुत कम लोग हैं मोक्ष की पाने की इच्छा सबको प्रॉपर्टी पाना है लोगों को पाना है पैसा को पाना है मगर ये सब मुझे नहीं चाहिए मुझे ईश्वर पद प्राप्ति चाहिए ऐसी भावना कितने में ऐसे जिसमें होता है उनको मुमुक्ष ऐसा हैं, ये प्राप्त होना और भी दुर्लभ है मुमुक्षत्व भी आपका प्राप्त हो गया है मोक्ष पाने की इच्छा मगर सदगुरु वो मोक्ष को दिखाने वाले मोक्ष की रास्ता को दिखाने वाले महापुरुष की संश्रय ये तो उससे भी दुर्लभ है पूर्व जन्म के कृत पुण्यों के कारण आप लोग मनुष्य भी हो गए हैं और मुमुक्ष है इसलिए सिद्धांत शिका के प्रवचन को सुन रहे हैं और महापुरुष संश्रय काशी जगत गुरु महानुभाव लोग महासंत लोगों की वाणी को सुनने की दर्शन लेने की श्रेष्ठतम अवकाश भी प्राप्त है इसे व्यर्थ ना करें इसे सदुपयोग करें और जीवन को पावन करें ऐसी कहते हुए आज की वाणी को विराम देते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करें ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रमिण त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छ्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः ॐ तत्सत् श्रीशिवार्पणमस्तु